नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साजिद और आप लोग देख रहे हैं चैनल सजना प्रोफेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। तो वीडियो में अंत तक रहना, जब नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर मेरे चैनल पर फॉलो कर देना। पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके पहले देख लेना, हम यहाँ पर यहाँ तक कैसे पहुंचे और लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर देना। आज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो जैसे हम लोग आए थे, कुछ देर रेस्ट किए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद में भी चल दिए दर्शन करने। अभी टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं। कब तक वापस आते हैं आप लोग दिखाएंगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत कम है, उतनी तो नहीं है। इसके बाद में हम लोग हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर रहेगा वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो में तक बने रहना और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना, आपको लेटेस्ट अपडेट्स आएगी। पहले जैसे सपोर्ट की जरूरत अभी भी हमको है, तो आप लोगों ने इतने साल से हमें देखा है, आपको पता होगा। और कुछ नहीं, चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में, नासिक में हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल तो भीड़ है क्योंकि कल रंग पंचमी है और तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी है। और चलते हैं, आप लोगों को अंदर दिखाते हैं, दर्शन करें, जो हो पाएगा वो दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही थक गए हैं। क्योंकि वहाँ से लेकर मतलब रोड से लेकर यहाँ तक आने के लिए मतलब करीब से करीब बहुत टाइम लगा है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक वगैरह था। तो अंदर दर्शन करने चलते हैं, और गर्मी तो उतनी नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि थोड़ा सा कूल है नेचर, क्योंकि शाम का वक्त है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद मिलते हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर, और ये हम लोगों ने दर्शन करने से पहले शूट किया है, क्योंकि दर्शन करने के बाद जैसे करीब से करीब रात हो जाएगी, मतलब 8 से 9 बज जाएंगे मेरे हिसाब से। तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, बाद में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ये पूरा परिसर है मंदिर का, एक परिक्रमा है जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई है अभी। तो चलते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करते हैं, बाद में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ये है मंदिर की दर्शन रंग, जहाँ से मतलब एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं लाइन के लिए। एक सुंदर सा दृश्य भी आप लोगों को दिखने मिलेगा, तो वीडियो में को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो अभी अभी हम लोग दर्शन करके वापस आए हैं, मतलब करीब से करीब समझ लो शाम के वक्त हम लोग दर्शन करने अंदर गए थे। अभी हो चुके हैं 11 बजने वाले हैं रात के, तो फिर भी लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्योंकि बीच में मतलब कल रंग पंचमी है, इसके कारण भी बहुत भीड़ थी। और जो जो भी दृश्य आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया है वो देखने मिलना बहुत ही मुश्किल था, वो भी देखने मिल पाया। तो टाइम तो बहुत लगा है, तो अब मतलब
रेस्ट करते करते समझ लो हम लोग पहुँचते पहुँचते 12:30-1 बज जाएगा। तो यही था जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है, धन्यवाद। तो फिलहाल हम लोग दर्शन करके आ गए थे, तो करीब से करीब कल हमें लगे थे 5 घंटे लगे थे हमें कल दर्शन करने के लिए। मतलब बहुत ही भीड़ थी त्र्यंबक में, मतलब बहुत ही भीड़ थी। करीब से यहाँ पर आते आते बज गए थे 12:30 रात के, तो बहुत ही थक गए थे और वीडियोज वगैरह कुछ शूट नहीं हो पाई वहाँ पर। तो इतना ही था आज वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो देख रही चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे जाकर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना। पूछना चाहते हो कमेंट करके नीचे कमेंट कर सकते हो। कुछ नहीं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगले वीडियो में बने रहना और सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ नहीं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।